प्रदेश में मूसलाधार बारिश ने जहां एक और जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, ऐसे ही प्रदेश के सभी जिलों में या गांव ढाणियों में कहें तो जल भराव की स्थिति सामने आ रही है। ऐसे में फलोदी जिले के ग्रामीण क्षेत्र पानी से लबालब देखे जा रहे हैं। हालांकि एनडीआरएफ की टीम भी यहां पर आई और गाँव और शहरों में भी वहां जाकर लोगों से बचाव और राहत का कार्य किया है। मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ जो है वो फलोदी के निकट जांबा रेलवे अंडरब्रिज है जहां पानी भर चुका है और वो रास्ता ग्रामीण क्षेत्र की ओर से आने वाला है वो रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका है। यानी ये कहें कि गांव से आने वाला जो रास्ता है वो लबालब हो जाने से गाँव का शहर से संपर्क टूट चुका है। मैं और आगे दिखाना चाहूँगा, ये गांव ढाणियों में जो पानी गया है वो लबालब हो चुका है और अब गाँव के लोग अगर आते हैं तो तैर के आते हैं या फिर किसी सरकारी जो है वो एनडीआरएफ की टीम या बोर्ड की मदद से उन्हें यहाँ लाया जाता है। यहाँ पर जो लोग हैं वो भी उनसे हम बात करेंगे, लेकिन वो दूसरा का वो हम दिखाना चाहेंगे जो रेलवे ट्रैक के ठीक दूसरी तरफ है और वो जो है वो रास्ता यही शहर की ओर जाता है और ये है जांबा अंडरब्रिज का रास्ता। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो भी दिखाए। और ये जो है बिल्कुल पिछले 7-8 दिनों से कहें तो लबालब भरा हुआ है, यानी ये कम से कम 12 से 13 फिट जो गहरा है अंडरब्रिज वो भर चुका है। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ से जो जाते हैं लोग वो कहीं ना कहीं रेलवे ट्रैक क्रॉस करके और बाहरी क्षेत्र से पत्थर रखकर जाने को मजबूर है। जैसा कि पहले हम बता चुके हैं, यहाँ लोग जो है वो ऐसे जैसे तैसे करके यहाँ आए हैं और वो अपनी जो है वो बात बताएंगे और वो कैसे आते हैं, क्या कुछ समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है। ऐसे में उनसे हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि भाई क्या कुछ हो रहा है और किस तरह से इस समस्या का समाधान अगर हो ये जल्दी गाची पूर्णतया से हो सके, ऐसी मांग इनकी है। आप कहाँ से हैं बाबा बताइए? गदली गाँव से हाँ पानी किसी में अड़ा भी आया है, जाने को बहुत तकलीफ होती है। फलोदी जब पैसिंग होनी जाए, अभी कैसे आए हो? ऐसे गुदरली गांव से फलोदी जाते हैं, रास्ता नहीं है यानी लगभग गांव का शहर से संपर्क टूट चुका है। आप कहां से हैं? हम गुदली से ही है, यहां से ही है, लेकिन पिछले 8 दिन से हम प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं, प्रशासन हमारी सुन नहीं रहा है। हाईवे अपने आप टूट रहा है फिर भी वो पानी निकासी नहीं कर रहे हैं। आपने प्रशासन को कहा? हाँ, प्रशासन को हमने तो हाथ जोड़ के कह दिया, प्रशासन हमारी सुन नहीं रहा है। अब ये रेलवे ट्रैक भी टूट जाएगा 1-2 घंटा बाद में अपने आप। ये जो है अंडरब्रिज का जो जल भरा हो वो अभी तक वो 20 फुट भरा हुआ है। इससे पहले भी खाली किया था उसको? हाँ, इसको पहले प्रशासन खाली किया था रेलवे ने और वापस आ गए। क्या करें, निकासी है नहीं तो वापस आएगा अंदर ही। दूसरी बार फिर बारिश आने से और वापस अंडरब्रिज भर गया। आप कहाँ से हो? मैं भी गोदरली से हूँ और यहाँ आने में कोई रास्ता नहीं है, बिल्कुल बड़ी मुश्किल से 20 किलोमीटर दूर होके आना पड़ता है फलोदी के लिए। बस वस्तु तो आने का सवाल ही नहीं, बिल्कुल आने का सवाल ही नहीं। पीछे नन्हे उचार नहीं, गोदरली कोई आ ही नहीं सकता। कितने गांव के लोग आ नहीं सकते यहाँ? 4-5-6 गांव आ नहीं सकते इधर से। 5-6 गांव जो है वो ब्रिज के जस्ट पास ही है जो नहीं आ सकते, उससे दूर और जो गाँव है वो भी लोग यहाँ नहीं आ सकते। आप कहाँ से हो? यहीं से, गोदरली से ही है। ये मतलब फलोदी से जांबा रोड पे 40-50 गाँव का ये मतलब रास्ता कट हो गया है और 20-30 ढाणियाँ यहाँ पानी में डूबी हुई है। अभी कोई मतलब एक दो मकान गिर भी गए, अभी तक हुआ कुछ है नहीं, कुछ हुआ नहीं और ढाणियाँ जलमग्न है। लोगों को बाहर रातें बितानी पड़ती है यहाँ। कुछ कहाँ के हो आप? गुदली से ही है। क्या कुछ समस्या है? बहुत है समस्या, देख ही रहे हो, समस्या ये में कोई कमी है, देख लो आने जाना सब फसलों तो गई जगह, मकान ही टूट गई, मकान टूट चुके हैं, मकान धराशायी हो गए हैं। आप कहाँ से हैं? हम तो इंडालगोल से हैं, लेकिन यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं, उनके लिए हमारे राजस्थान सरकार से यही निवेदन है कि यहाँ का सोल्यूशन करे, जल्द से जल्द सोल्यूशन करे। यहाँ के यहाँ गांव के लोग नहीं तो फलोदी जा सकते, कोई इमरजेंसी काम पड़ जाए तो कहाँ से जाए। अब देख लो इधर भरा पड़ा, इधर भरा पड़ा, अब कोई रास्ता ही नहीं है, चौथा रास्ता बंद है। अब लोगों की मांग ये है कि कहीं ना कहीं प्रशासन आकर और उनकी इस समस्या का समाधान करे और ये जल जो है वो कई फिट भरा हुआ है, गांव ढाणियाँ जलमग्न है, उनको ये यहाँ से पानी निकासी का कार्य करते हुए लाभान्वित करे। कैमरा पर्सन विनोद बोहरा के साथ SP राजू व्यास, TNP न्यूज़, फलोदी।